हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुष एक्टिविटी कॉर्नर। आज मैं आपके सामने एक एक्टिविटी का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। इस एक्टिविटी के थ्रू आप अपने बच्चों को 1 to 20 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, इस एक्टिविटी में आपको इस तरह से एक्टिविटी गाइडलाइन मिलेगी। अब आपको मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू आप अपने बच्चे में ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, नंबर स्किल, मेमोरी स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैचिंग, इन सब चीज़ों पे वर्क करके आप अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और हाउ टू प्ले, इस एक्टिविटी में आप अपने बच्चे को किस तरह से सिखाएंगे उसके बारे में इसमें डिटेल दी गई है। मैचिंग, सब इसमें मैचिंग का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे करना है। इसमें आप मैचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं एंड सिक्वेंसिंग एंड न्यूमेरिकल ऑर्डर। इसमें आपको इस तरह से नंबर लगाने और बीच में कोई नंबर गायब करना है, उस तरह से आप ये भी क्लियर कर सकते हैं अपने बच्चे का। मोर एंड लेस देन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। एंड ये एक मेमोरी गेम है, ये मेमोरी गेम है, इसको भी आप अपने बच्चे को ये साथ खेल सकते हैं। और ये मेमोरी गेम थोड़ा सा जब बच्चों को 1 to 20 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये इंट्रोड्यूस करवानी है, क्योंकि ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। इसको बाद में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे करवाना है, बट इसमें डिटेल दी गई है, आप देख सकते हो। ओके, अब इसमें आपको क्या मिलेगा, इस तरह से आपको ये ब्लू कलर के 1 to 10 1 to 10 नंबर कार्ड मिलेंगे। ओके, और इस तरह से 11 to 20 कार्ड मिलेंगे, पिंक कलर के हैं ये कार्ड। पहले तो आपको बच्चे को आइडेंटिफाई करवाना है नंबर्स 1, 2, 3, 4 and 5। इस तरह से आप बच्चे को पहले नंबर आइडेंटिफाई करवाएंगे, उसको रीड करवाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। जब बच्चे को नंबर्स क्लियर हो जाएं फिर आपको उसका क्रॉस टेस्ट करना है कि बच्चे को आया है कि नहीं। फिर आपको उसको बोलना है गिव मी 3 नंबर, इस तरह से बच्चा देगा गिव मी 4, गिव मी 2, गिव मी 1, गिव मी 5। जब बच्चा ये क्लियर कर ले उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट क्लियर करने हैं बच्चे को। बच्चे को आपको सिखाना होगा ये इस तरह से कार, बेटा कार कितनी है 1, 2 काउंटिंग करके। पहले तो आपको सिखाना होगा बच्चे को कि कार कितनी है 1, 2 कार। फिर इस तरह से कैट 1, 2, 3 कितनी कैट है 3 कैट एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी काइट है 5 इस तरह। ओके, जब बच्चे को नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाए फिर आपको ये और नेक्स्ट लेवल बढ़ाना है। फिर आपको इस तरह से ये कार्ड लगाने हैं और फिर उसके बाद बच्चे को बोलना 5 गोज विद, तो बच्चा काउंटिंग करेगा और इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 आपको काइट नहीं बोलना है, 5 गोज विद, फिर बच्चा बोलेगा 5 काइट आपको सिखाना होगा बच्चे को। फिर 1 गोज विद 1 जेब्रा एंड 2 गोज विद 2 कार, 4 goes with 4 tortoise and 3 goes with 3 cat। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद इस एक्टिविटी को आप कई तरीके से अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, जैसे कि आपने इस तरह से नंबर रख लिए, ये तो मैचिंग हो गई, फिर आपने इस तरह से नंबर रख लिए। ओके, आपने इस तरह से 1, 2, 3 आपने 4 गाइड कर दिए। आपका बच्चा, आप इस तरह से थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना बच्चे को, स्टार्टिंग में आप ऐसे ही क्लियर करना, स्पेस छोड़ना है 1, 2, 3, 4 और आपको इस तरह से 2-3 कार्ड रख देने हैं। अब बच्चे से बोलना यहाँ पे कौन सा कार्ड आएगा 1, 2, 3। अब बच्चा, अगर बच्चे को आता है तो फिर बच्चा करके दिखा देगा आपको, क्लियर करके आंसर दे देगा। अगर बच्चे को नहीं आता है तो आपको गाइड करना पड़ेगा। आप इस तरह से आपको बोलना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, बच्चा यहाँ से देखेगा और फिर इस तरह से बच्चा लगाएगा 4, वो आपको बताएगा मम्मा 4 आया। अब आप बच्चे को इस तरह से लगा देंगे। अब आपको बच्चे से बोलना है कि देखो ये सही से लगा है कि नहीं। अगर बच्चा
बच्चे को आता होगा तो वो नो बोलेगा, और फिर आपको बोलना है कि ओके आपको इसको सही सही से मैचिंग करनी है। फिर बच्चा इस तरह से उठाएगा, इस तरह से मैच करेगा, और एंड फिर इस तरह से ओके, ऐसे बच्चा मैच करेगा। इसमें बहुत अच्छी हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड फोकस पे भी वर्क होता है बच्चों में, इस तरह से बच्चा कर देगा। ओके, ये एक्टिविटी क्रिएटिव ब्रांड्स की है, ये प्री स्कूल एक्टिविटी है। इसमें 1 to 20 आप क्लियर करेंगे बच्चों में, एंड इसमें 20 सेट हैं टोटल, इसमें 40, ऐसे 40 कार्ड होंगे। और एंड इसका प्राइस है, इसका प्राइस 220 है, मतलब कि 220 रुपये इसका प्राइस है। और आई थिंक इसमें डिस्काउंट आता रहता है, ये 200 के आसपास मिलेगा। और बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप अपने बच्चे के लिए ज़रूर लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप यही एक्टिविटी लीजिए, आपको इस तरह से एक्टिविटी अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, क्योंकि बच्चा एक्टिविटी के थ्रू बहुत अच्छे से सीखता है, और एक्टिविटी के थ्रू जो भी सीखता है उसे लाइफ टाइम के लिए उसके दिमाग में रहता है। इसलिए आप अपने बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू सिखाइए। ओके, आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा एक्टिविटी क्यों आयु के लिए लेती हूँ। उसका रीज़न है, पहले मैं आयु को टॉयज देती थी तो आयु टॉयज के साथ खेलता था, बट मैंने एक बार एक्टिविटी मंगवाई तो मैंने देखा वो एक्टिविटी के थ्रू बहुत जल्दी हर चीज़ को कैच करता है, वो एक्टिविटी के थ्रू बहुत जल्दी हर एक चीज़ सीख जाता है, और उसे बहुत अच्छी लगती है एक्टिविटी करना, इसलिए मैं उसके लिए एक्टिविटी मंगवाती हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप अपने बच्चे को टॉयज के अलावा एजुकेशनल एक्टिविटी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उससे आपको भी प्रॉफिट होगा और आपके बच्चे को भी। इसलिए आप अपने बच्चे को एजुकेशनल एक्टिविटी ज़रूर करवाइए। मैंने तो आयु को अब टॉयज मंगवाना कम कर दिया है, मैं जितना भी होता है मैं उसको एक्टिविटी एजुकेशनल एक्टिविटी ही मंगवाती हूँ, और उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। आयु को बहुत अच्छे से हर चीज़ बहुत जल्दी आ रही है, इसलिए ये डिस्कस मैंने आपके साथ किया। अगर आपको ये एक्टिविटी पसंद आई हो तो आप इस एक्टिविटी को मंगवा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो एंड ये एक्टिविटी भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।